और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बाज़ लोगों को कमजोरी बहुत ज्यादा फील होती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं आमतौर पे, भी लोगों को कमजोरी, निढाल, सुस्ती, काहली, जनरल वीकनेस, ये पट्ठों में दर्द होना, ऐसा दिल करता है कि बस सोए रहें, कहीं ना जाएं, बात करने को दिल नहीं चाहता, बात करने को दिल नहीं, लाइन काट दी जाती है। इसमें आपने लेना है ये सफेद मूसली। सफेद मूसली में विटामिन डी, कैल्शियम बहुत पाया जाता है, और यह है जिनसिंग। जिनसिंग अच्छा। ये है, ये इस तरह की, ये जिनसिंग है। अच्छा, और ये सफेद मूसली है, ये दोनों साबुत हैं और ये दोनों इनके पाउडर्स हैं। ठीक है, या इनका वजन लेना है आपने 50-50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ये और ये, और 50 ग्राम। ठीक है, आप क्या करेंगे? और इसमें 20 ग्राम आपने बेसन मिला लेना। ठीक है, ये मिक्स करके आप रख लें, और जितना खाना हो आपने उतना, एक चाय यानी एक छोटा चाय वाला चम्मच एक कप दही में डाल के। अच्छा, ये दही, और इससे क्या होगा? जी हाँ, इससे ये है कि पूरे दिन की कमजोरी है, सुस्ती, काहली, आपकी एनर्जी जो जाया हुई है, ये सब वापस बहाल होना शुरू हो जाएगी। सही। और इस तरह एक चाय वाला चम्मच एक कप दही में मिला के ये एक टाइम यानी इफ्तारी के बाद आप ले लें। हाँ। या अगर आप सहरी में आप खा लें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग सहरी में दही लेते हैं थोड़ी सी कि उनको प्यास ना लगे, तो अगर आप सहरी में दही के साथ जिनसिंग और दूसरा क्या था, सफेद मूसली, सफेद मूसली और बेसन भी मिलाया। बेसन, तीन चीजें ना, सफेद मूसली, जिनसिंग और बिल्कुल इन तीनों को मिलाकर बारीक पाउडर बना लें, और फिर उसके बाद एक चाय वाली चम्मच एक कप दही में मिला के एक टाइम रोजाना लें। और आप इससे देखिएगा, आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे, यानी जैसे महीना गुजर जाएगा, आप अपनी मल्टीमीटर में अगर जितने भी इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जारी रखिएगा, तो आप उसको एक महीने के बाद आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएंगे, आपको विटामिन डी 30 इक्वल मिलेगा इससे। अच्छा। इंशाल्लाह ताला। हाँ, और एक्टिव भी हो जाएंगे। और इसमें जैसे ये जिनसिंग है, ये जिनसिंग है, इसमें विटामिन B12 भी पाया जाता है, जो आपके पट्ठों के लिए बहुत बेहतरीन है, जो पिंडलियों में दर्द होता है आपको और सुस्ती, काहली होती है, ये उसको भी दूर करेगी। और ये सस्ते होते होंगे ना, ये सस्ते चीजें। अगर आप विटामिन खरीदने जाते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते, तो क्यों ना आप जिनसिंग, सफेद मूसली और बेसन और दही का इस्तेमाल कर लें। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो विटामिन है मैं इस्तेमाल करूँ, जो कि इस जड़ी बूटी में ऑलरेडी मौजूद है, तो नेचुरल चीज, नेचुरल चीजों में ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप ये क्यों ना इस्तेमाल करें। तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। नहीं, इंशाल्लाह। और देखना कितने व्यूवर्स की हमारे साथ दुआएं होंगी।